अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम C4 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। C4 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए फोटो रिस्पायरेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। और फोटो रिस्पायरेशन का टॉपिक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करके भी वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं फोटो रिस्पायरेशन क्या है। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर एक इशू होता है, एक वेस्टफुल प्रोडक्ट उनके साथ जुड़ा होता है जिसे फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, एटमॉस्फेयर ड्राई होती है, तो प्लांट्स वाटर लॉस को रोकने के लिए अपना स्टोमेटा बंद कर देते हैं। स्टोमेटा के बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर इंटर नहीं हो सकती और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के लीव्स के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। और प्लांट के लीव्स के अंदर एक एंजाइम होता है रोबेस्को, जिसका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना इनटू फूड, ठीक है। और रुबेस्को डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है, तो रुबेस्को एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है। और ऑक्सीजन को फिक्स करने से ग्लाइकोलेट एक प्रोडक्ट बनता है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, और इसी प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी वेस्ट हो रही है, यूटिलाइज हो रही है फजूल में, और कोई फूड की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई एनर्जी की जनरेशन नहीं हो रही, इसलिए यह एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। सो थ्रू एवोल्यूशन टाइम कर गुजरते गुजरते बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर एक न्यू प्रोसेस जनरेट हो गया फोटोसिंथेसिस का, और उस प्रोसेस को बोलते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। तो उसको ही आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉर्म्ड एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट एंड देयरफॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है तो फर्स्ट जो कार्बन फिक्सेशन से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इस बेस पर इन्हें C3 प्लांट्स भी कहा जाता है। और मोर देन 80% जो प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं, यानी उनमें नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड हॉट कंडीशन प्रोड्यूस अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन एंड देयर फॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कार्बन फिक्सेशन का जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जिसे ऑक्सैलो एसीटेट बोलते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड, इसी वजह से इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक्चुअली C4 प्लांट्स कैन प्रिवेंट फोटो रिस्पायरेशन, और ये जो C4 फोटोसिंथेसिस है ना, ये हेल्प करती है इन प्लांट्स को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। यानी इन प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, और ये प्लांट्स मोस्टली आपको हॉट और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, जैसा कि कॉर्न हो गया, शुगर कैन हो गया, इस किस्म की बहुत सारी फसलें जो हैं जो काफ़ी हॉट एरियाज़ में ग्रो करती हैं, इनके अंदर C4 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में एवोल्यूशन हो चुकी है। द एनाटॉमी ऑफ C4 लीफ इज कोरिलेटेड विद द मैकेनिज्म ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। C4 फोटोसिंथेसिस में एनाटॉमी का बड़ा रोल है लीफ की, यानी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली में जो C3 प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल मीजोफिल सेल्स में हो रहा होता है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी 2 सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। मीजोफिल सेल्स भी उसमें शामिल होते हैं, और साथ में एक और टाइप के सेल्स हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल बोलते हैं, ये भी हिस्सा लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। कैसे लेते हैं अभी हम देखेंगे। इन C4 प्लांट्स देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स, यानी C4 प्लांट्स में 2 टाइप के फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, वन इज बंडल शीथ सेल एंड द सेकंड वन आर मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। और बंडल शीथ सेल के अंदर एक्चुअल फिनोमेना ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी केल्विन साइकिल हो रहा होता है, जिसमें रुबेस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इनटू शुगर। तो आइए देखते हैं ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। सो हेयर वी हैव द मैकेनिज्म। सपोज दिस इज दिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जिसमें सबसे ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है लीफ की। ऊपर वाली लेयर में एपिडर्मल सेल्स की तह होती है, फिर उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर में आपको मीजोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं,
और इन बिटवीन आपको कुछ रेड कलर में ये बंडल शीथ सेल्स हैं, और इन बिटवीन बंडल शीथ सेल्स देयर आर वस्कुलर बंडल जो कि जाइलम फ्लोएम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इन प्लांट्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में ये दोनों सेल्स जो हैं ये हिस्सा लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ये फोटोसिंथेसिस कौन सी होती है, C4 फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसको जूम इन कर लेते हैं ज़रा सा, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, और हेयर वी हैव द वेस्कुलर टिश्यू। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और मीजोफिल सेल्स के साथ डिफ्यूज हो जाती है, अंदर आ जाती है मीजोफिल सेल्स में। सो हेयर वी आर सीइंग कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इनटू द मीजोफिल सेल्स। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जब मीजोफिल सेल्स में इंटर होती है तो वहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है ये ऑलरेडी प्री असेंबल्ड यहाँ पर पड़ा होता है, इसके साथ जाकर अटैच हो जाती है विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल कार्बोजाइलेज। और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है विद PEP। और इस एंजाइम की एक और खूबी है कि ये ऑक्सीजन के साथ कभी भी बाइंड नहीं होता, यानी ये ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करता। जबकि रुबिस्को को अगर हम देखते हैं तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन ज़रा सा हाई होती है, रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन का अमल शुरू हो जाता है। सो हेयर वी हैव मीजोफिल सेल जिनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑक्सैलोएसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से इस प्रोसेस को C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मैलेट, और ये मैलेट फिर इंटर हो जाता है इनटू द बंडल शीथ सेल जहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि जैसे ये मैलेट इंटर होता है इनटू द बंडल शीथ सेल तो ये मैलेट टूट जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो वी आर सीइंग दैट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इनटू द बंडल शीथ सेल। सो हमेशा इन प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जहाँ पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है वहाँ पर हाई पड़ी रहती है, जिसकी वजह से रुबिस्को एंजाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है थ्रू केल्विन साइकिल और शुगर में कन्वर्ट करता है, और फिर वो शुगर जो है वेस्कुलर बंडल के जरिए वेस्कुलर टिश्यू के जरिए जहाँ पर नीड होती है वहाँ पर चली जाती है। और ये जो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल बनता है ये अगेन इंटर हो जाता है इनटू मीजोफिल सेल और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इस स्टेप में ATP की यूटिलाइजेशन हो रही होती है। सो ये प्लांट्स थोड़ी सी ATP ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि जब इनके भी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, तो फोटो रिस्पायरेशन इनमें भी होनी चाहिए। सो ऐसा होता है कि जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो इनके जो मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत भी रही होती है वो भी कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, फिर मैलेट और बंडल शीथ सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती रहती है, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता ताकि फोटो रिस्पायरेशन का अमल ना हो सके। बट स्टिल देयर आर सम रुबिस्को एंजाइम आल्सो प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, कुछ फोटो रिस्पायरेशन फिर भी हो रही होती है, बट इनके अंदर ये एक एवोल्यूशन के जरिए एक प्रोसेस जनरेट हो चुका है जिसके जरिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होती है फिर मैलेट में, और उससे फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड मैलेट के टूटने से रिलीज होती है और केल्विन साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होकर शुगर की सिंथेसिस होती है। सो दीज आर द C4 प्लांट्स। इसके अलावा CAM प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर भी फोटो रिस्पायरेशन काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है, वो रात के वक्त क्या करते हैं 4 कार्बन कंपाउंड बनाकर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और दिन के वक्त जब गर्मी होती है स्टोमेटा बंद हो जाता है तो उन कंपाउंड को तोड़ तोड़ के उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है उससे फोटोसिंथेसिस का अमल करते रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ कुछ प्लांट्स ने एवोल्यूशन के ज़रिए अपने आप को अडाप्ट किया है टू द एटमॉस्फेयर। आज हमारा चैप्टर 4 एंड हो चुका है, कल या परसों से इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।